उधमपुर का जो दुकानदार है फालतू के गुंडा टैक्स जो है वो नहीं बनने वाला। जब एवेन्यू इकट्ठा करने के लिए यहाँ पे लोग आ गए, पर जो बिरमा पुल इन्होंने बनाना चाहिए था, सलमेह ब्रिज इन्होंने बनाना चाहिए था, उसकी ओर इनका ध्यान नहीं है। पर जो व्यापारियों को कैसे तंग किया जाए उसके लिए रणनीति बनाई जाती है एडमिशन की तरफ से। देखिए हमें क्या पता लगा गोल मार्केट से कि कोई रेवेन्यू की टीम और कोई म्यूनिसिपैलिटी की टीम यहाँ पे आई है, चलान काटे जा रहे हैं दुकानदारों के। तो हम जब मौके पे पहुँचे तो किसी से 500 किसी को ये ले रहे हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पता नहीं किस किस का ये चलान कर रहे थे जिसकी हमें कोई जानकारी नहीं थी। तो सभी व्यापारी वर्ग जब इकट्ठा होकर हमने इसका पुरजोर विरोध किया है। हमने इनको सीधे शब्दों में बता दिया है कि जब तक आप व्यापार मंडल या अदर बिजनेस एसोसिएशन को सबको मिलाकर एक अपना कोऑर्डिनेशन हमारे साथ बना के मार्केट में नहीं आते, तब तक कोई भी जो व्यापारी वर्ग है ये चलान वगैरह नहीं देने वाला। और आप देखिए उधमपुर में जो इस समय जो हमारी हालत है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे देखेंगे तो उधमपुर शहर पूरे यूके यूटी में लास्ट नंबर पे आएगा। आप हमारे शहर में जो दुकानों के पास आने का रास्ता है इसमें मेन आप देखिए एमएस चौक से लोग दुकानों की तरफ आएंगे तो वहाँ पे इतने खड्डे और डस्ट इस वक्त बनी हुई है। स्वाथिया चौक से अगर आएंगे तो वहाँ पे इतने खड्डे और डस्ट है, वहाँ पे प्रशासन जो है वो सोया हुआ है। और दुकानदारों को आके आप तंग करते हो क्या? हर एक चलानिंग या हर एक जो भी टैक्स है या किसी भी चीज़ का कोई भी भुगतान है, क्या वो दुकानदार ने ही करना रह चुका है? आखिर एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे सोई हुई है? आप मेरे को बताइए, अगर 2 साल से आप शहर को ब्लैक टॉपिंग नहीं कर पाए उसका चलान आप कौन से अफसर को करने जा रहे हैं? और कब आप उसकी रिसीट जो है वो पब्लिक डोमेन में आप साझा करेंगे ताकि हम भी सोचें नहीं जी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छा कोई एक्शन भी लेता है। आप सोए हुए आते हैं, 2-3 लोगों को डराया या कुछ। उधमपुर का जो दुकानदार है फालतू के गुंडा टैक्स जो है वो नहीं बनने वाला। जब तक ये पूरे व्यापार मंडल और अदर बिजनेस एसोसिएशन को अपने कॉन्फ्रेंस में नहीं लेते, जैसा हमारे प्रेजिडेंट और चाहे जो भी एसोसिएशन है उनके प्रेसिडेंट बोलेंगे वैसा ही हम जो चलने देंगे। और हमने इनको साफ शब्दों में बता दिया है, इसका हम पुरजोर विरोध जारी रखेंगे। जी मेरा नाम महेश नाथिया है, मैं उधमपुर का ही तो व्यापारी हूँ। जैसे आप देख रहे हैं रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए यहाँ पे लोग आ गए, पर जो बिरमा पुल इन्होंने बनाना चाहिए था, सलमेह ब्रिज इन्होंने बनाना चाहिए था, उसकी ओर इनका ध्यान नहीं है। पर जो व्यापारियों को कैसे तंग किया जाए उसके लिए रणनीति बनाई जाती है एडमिशन की तरफ से। मैं एडमिशन को ये बोलना चाहता हूँ, पहले हमको फैसिलिटीज वैसे दीजिए, उसके बाद हम आपको रेवेन्यू क्या जो जो आप बोलोगे वो करने के लिए तैयार है। बट गुंडा टैक्स हम नहीं देंगे, जो हमसे बन पाएगा वो जो हमारी ड्यूटी होगी वो हम पे करेंगे, पर गुंडा राज यहाँ पर नहीं चलेगा। आज व्यापारियों ने विरोध किया है, मैं सभी व्यापारियों का शुक्रिया करता हूँ कि एक साथ इकट्ठे हुए, यूनिटी में ही दम है। और यूनिटी यूनिटी कर ये आज दिखाया कि यहाँ पे पर्चियाँ वापस हुई हैं और लोगों के पैसे भी वापस होंगे। जय हिंद।